सुप्रभातम। कक्षा 6 हिंदी पाठ 5 का अवशेष। चेन्नई में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात श्रीमती सरोजनी नायडू एवं बड़े बड़े नेताओं से हुई। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगीं। 1925 में भारत संस्कार की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने महिला एवं बाल रोगों के उच्च अध्ययन के लिए प्रथम विदेश यात्रा की। वहीं जून 1926 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में, जो पेरिस में हुआ था, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। फिर 1926 में भारत लौटकर वे मद्रास विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। 1927 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोला। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने विधायक के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं सामाजिक सुधार किए। मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनमत निर्माण किया और फिर फरवरी 1929 में तमिलनाडु विधानसभा के एक बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया। महिलाएं एवं बालकों की शिक्षा के और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की पहल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही की। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण केंद्र, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना, नारी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना तथा निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की संस्तुति भी डॉक्टर लक्ष्मी ने ही की थी। 1930 में महान समाज सुधारक डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने अनाथ बालकों एवं बेसहारा बालिकाओं के लिए अवाई होम जैसी अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना की। जीवन के अंतिम समय में तथा उन्होंने कुशलतापूर्वक इसका संचालन किया। 1929 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली के साथ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी तीसरी महिला प्रतिनिधि थीं। 1929-30 में नमक सत्याग्रह के सिलसिले में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी एवं महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों के विरोध में उन्होंने विधानसभा की उपाध्यक्षा पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जमकर भाग लिया। 1951 में उन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम कैंसर अस्पताल की स्थापना की और देश के स्वतंत्र होने पर वे 1954-57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्या रहीं। वे चेन्नई कॉरपोरेशन नगर वुमन निगम की अध्यक्षा भी रहीं। 22 जुलाई 1968 को भारत की यह महान महिला इस संसार से विदा लेकर परलोक सिधार गई। स्वयं में एक संस्था भी थी। उनके निधन पर भारतीय महिला परिषद की देशव्यापी शाखाओं ने शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। उपाधि पदवी, संचालन चलाने का कार्य, चलन रिवाज, प्रतिभा विलक्षण, शल्य चिकित्सा, उन्मूलन जड़ से मिटाना, अत्याचार जुल्म। प्रश्न संख्या 36 में बालक प्रश्न लिखित अति संक्षिप्त में करेंगे। मुत्तुलक्ष्मी के पिता के किस कॉलेज के प्राचार्य थे? खा नंबर है, मुत्तुलक्ष्मी को बचपन में ही कौन सी बीमारी हो गई थी? गा, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के पति का क्या नाम था? घा, मेडिकल कॉलेज मद्रास में प्रवेश लेने पर मुत्तुलक्ष्मी को किसने मदद की? संक्षिप्त उत्तर, बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसने प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना की? खा नंबर, मुत्तुलक्ष्मी के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे? गा नंबर, किसकी मदद से मुत्तुलक्ष्मी ने मेडिकल कॉलेज मद्रास में दाखिला किया? व्याकरण बोध में जिस पद से किसी काम के करने होने को बोध हो उसे क्रियापद कहते हैं।
जैसे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ना इसमें क्रिया है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को रेखांकित करना है। अध्यापक ने उन्हें अंग्रेजी पढ़ाया, पढ़ाने के नीचे रेखा खींच देनी है। खा नंबर देश उन्हें सदैव याद करे रखेगा, याद रखना। ये भी मुतु लक्ष्मी की दमा की बीमारी बढ़ गई है, इसमें बालक जो भी क्रियाएं हैं उसके नीचे रेखाएं खींचेंगे। उन्होंने भारत के प्रथम बाल चिकित्सालय खोला, इस प्रकार बालक ये काम स्वयं करेंगे।